हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरविंद राय, योर SST टीचर फ्रॉम LPM पब्लिक स्कूल, एंड होप यू ऑल आर वेरी गुड एट योर होम्स, एन्जॉइंग द वेकेशंस एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. स्टूडेंट्स, हेयर इन दिस वीडियो, दिस वी कैन से PDF बेस्ड वीडियो, वी कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, और वी कैन से न्यू चैप्टर, दैट इज़ इंडिया क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड आवर 8th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, एंड द हेडिंग इज इंडिया. वी आर रीडिंग अबाउट इंडियन क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ इन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज गिवेन, द फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग द टर्म्स क्लाइमेट एंड वेदर, discussing the various seasons of India, explaining the types of natural vegetation in India, and fourth point is learning about varied wildlife of India. So these are the topics we are going to elaborate in this chapter. We are going to read thoroughly about these concepts in this chapter, and this is your first page of the chapter number 8, that is page number 198. On the first page of this chapter, one image is also given in the book, and what it is saying, India is home to several diversified wildlife and natural vegetation. Means India जो है वो बहुत सारे diversities को belong करता है wildlife और natural vegetation से. So the government has demarcated many areas at wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves to stop the intervention of the growing population. और इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए, जो हमारे भारत की जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने के लिए बहुत सारे एरिया को गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे, नेशनल पार्क्स के तौर पे और बायोस्फीयर रिजर्व्स के तौर पर संरक्षित कर दिया है, जिससे कि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन कैनॉट इंटरफियर टू दैट नेचुरल हैबिटेट ऑफ दैट animals, the plant species and all things that are made by the nature, that should not be disturbed. That's why the government has embarked some areas as wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves. Now after that we are heading towards the second page. This one, on page number 199. Now according to this page and paragraph, it is given, I am reading from the first line, there is a diversity in natural vegetation and wildlife found in India. भारत में बहुत सारी विविधताएँ हैं हमारे natural vegetation में और wildlife में जो भारत में पाई जाती है. Due to the wide range of weather and climate conditions, because of India's extensive size and varied physical features. और ऐसा विविधता इसलिए पाया जाता है कि हमारे यहाँ जो भारत में मौसम और ये जो हमारा क्लाइमेट है, जो जलवायु है, जो हमारा मौसम है, उसके जो कंडीशंस वो बहुत ही विविध हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री वो बहुत ही एक्सटेंसिव साइज कैरी करती है और वेरिड फिजिकल फीचर्स है, और हमारे देश में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है. सेकेंड पैराग्राफ सेज, weather is the day to day changes in our atmosphere in terms of temperature, moisture, wind, sunlight, cloud, rainfall and atmospheric pressure. मौसम क्या होता है? मौसम हमारा दिन पर दिन और हर पल बदलता हुआ एक ऐसा, जो हमारे एटमोसफियर का एक ऐसा घटना चक्र है जो रह रह के बदलता रहता है. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर की बात करें, उसमें नमी की बात करें, मॉइस्चर की बात करें, उसकी हवाओं की बात करें, सनलाइट की बात करें, क्लाउड, रेनफॉल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो होते हैं, जो दिन पर दिन, प्रतिदिन, हर घंटे जो हमारे, हम अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, इसको वेदर कहा जाता है. आफ्टर दैट व्हाट इट इज सेइंग हियर वी कैन सी फ्रॉम दिस लाइन. ओके, लेट मी शो यू. This line, depending upon these factors,
डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स द वेदर कैन बी सनी और क्लाउडी, और इन फैक्टर्स के आधार पे जो हमारा मौसम है वो या तो बहुत धूप वाला हो सकता है, या क्लाउडी हो सकता है, या रेनी हो सकता है, या विंडी हो सकता है, या हॉट या कोल्ड हो सकता है, ह्यूमिड और ड्राई हो सकता है। ठीक है, वेदर कंडीशंस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हमारे मौसम के कंडीशंस होते हैं वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। वेदर चेंजेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो हमारा मौसम होता है वो कम समय अवधि में ही परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कि एट प्रेजेंट टाइम इफ़ वी आर एक्सपीरियंसिंग सनलाइट एंड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स और कपल ऑफ आवर्स वी कैन एक्सपीरियंस हाई वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग अराउंड अस एंड वेदर चेंजेस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेदर कैन चेंज विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग एंड क्लाउडी इन द आफ्टरनून, दस वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम सुबह जो है बहुत ही अच्छी खासी धूप का एक्सपीरियंस कर रहे हैं सुबह में, तो हम शाम होते होते बदली का एहसास कर सकते हैं, क्लाउडी एटमोसफियर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है कि जो हमारा एटमोसफेरिक कंडीशन होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ सेकेंड पैराग्राफ सेज फ्रॉम हियर, क्लाइमेट रिफर्स टू द वेदर कंडीशंस प्रीवेलेंट ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से 25 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है किसी भी जगह का? जब एक ही प्रकार का जो मौसम का घटनाक्रम होता है, मीन्स द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस, इफ इट इज एक्सपीरियंस्ड फॉर मोर देन 25 ईयर्स, देन इट इज डिटरमाइंड एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, एक ही तरह का मौसम का जो घटना चक्र है किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन के ऊपर, अगर 25 सालों तक वैसा ही बना रहता है तो उसको हम वहाँ का जलवायु कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मीन्स एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर, एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पर्टिकुलर रीजन एंड दैट टाइम कुड बी मोर देन 25 ईयर्स और मिनिमम 25 ईयर्स, देन इट इज सेड टू बी दैट इट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वी नो दैट द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज कोल्ड वेयर एज दैट ऑफ चेन्नई इज हॉट। द क्लाइमेट इन राजस्थान इज वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, बट इन बेंगलुरु इट इज प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। नाउ यू नो दैट वेदर एंड क्लाइमेट आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज लोकेशन, लैटिट्यूड्स, हाइट अबव द सी लेवल, द सी एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड्स एटसेट्रा। जो हमारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है, और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? उनका लोकेशन, उनका लैटिट्यूड, उनकी हाइट अबव द सी लेवल एंड द सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। What it is written here, India being a vast country with huge variations in its relief features does not fit into any one zone. However, it can be divided mainly into four climatic zones, namely alpine, subtropical, tropical and arid. India jo hai, it is a very vast country with huge variations in its relief features does not fit into any one zone. और ये किसी एक जोन में फिट नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लाइमेटिक जोन्स एंड द नेम्स ऑफ दैट जोन्स आर, फर्स्ट वन इज एल्पाइन, सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल, थर्ड वन इज ट्रॉपिकल एंड फोर्थ वन इज एरिड। नाउ सीजन्स ऑफ इंडिया। Though divided into different climatic zones, India primarily experiences four seasons. चूँकि
अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड होने के कारण जो भारत में जो मुख्य तौर पर जो सीजन्स एक्सपीरियंस होते हैं वो हैं विंटर, समर, एडवांसिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। अलग अलग सीजन कौन कौन से हैं? विंटर, समर, एडवांसिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये हमारे 4 सीजन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर के बारे में। विंटर, फर्स्ट पॉइंट इज नवंबर टू फरवरी इज विंटर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। नवंबर से लेकर फरवरी तक भारत के सभी हिस्से में जो है वो ठंड का सीजन होता है। सेकेंड पॉइंट, नॉर्थ इंडिया बीइंग अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर्स। जो उत्तर भारत है सी से समुद्री रीजन से बहुत दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर्स जो होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं ठंड में। साउथ इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द सी। साउथ इंडिया के पास क्या है, जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल होता है, चूंकि वहाँ पर क्या है, समुद्र से नज़दीकी है। द टेम्परेचर कैन ड्रॉप डाउन टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन द हायर रेंजेस ऑफ द हिमालयाज कॉजिंग स्नोफॉल। हिमालयन रेंजेस में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही नीचे जा सकता है, यहाँ तक कि फ्रीजिंग पॉइंट तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हायर रेंजेस में होते हैं, समुद्र तल से बहुत ही ऊपर होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत नीचे जाता है और यहाँ पर स्नोफॉल के भी कारण बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एट टाइम्स इंटेंस कोल्ड विंड्स कॉल्ड कोल्ड वेव्स ग्रिप द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। और समय के साथ जो बहुत ही इंटेंस कोल्ड विंड्स होते हैं, जिसको हम कोल्ड वेव्स कहते हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ग्रिप करते हैं। नॉर्मली विंटर्स आर ड्राई इन नॉर्थन इंडिया विथ ओकेजनल विंटर शावर्स फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन्स। द साउदर्न पार्ट हाउएवर एक्सपीरियंसेस विंटर शावर्स। एंड नॉर्मली विंटर्स में क्या होता है, ड्राई होता है नॉर्दर्न हिस्सा भारत का विथ ओकेजनल विंटर शावर्स फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, ओकेजनल विंटर शावर्स होते हैं, मतलब जो विंटर शावर्स होते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो ओकेजनली होता है, बट साउदर्न पार्ट में ये हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर शावर्स को। आफ्टर दैट समर, इंडिया एक्सपीरियंसेस समर फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू द मिडल ऑफ जून। भारत में गर्मी का जो सीजन होता है वो मार्च से लेके मिड ऑफ जून तक होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द टाइम व्हेन द सन्स रेज आर डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ऐसा समय होता है जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ओवरहेड होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। थर्ड पॉइंट, एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस इन द वेस्टर्न रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। द टेम्परेचर कैन शूट अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। जो इस समय का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और वेस्टर्न रीजन में ट्रॉपिकल डेजर्ट के कारण टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हॉट विंड्स नोन एज लू स्वीप द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। जो इस गर्मियों में जो लू चलती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को अफेक्ट करती हैं। अ शॉर्ट लिव्ड डस्टी स्ट्रॉन्ग विंड लोकली कॉल्ड काल बैसाखी ब्लोज अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। इट ब्रिंग्स रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स। एक छोटे समय के लिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड बहती है, जिसको हम काल बैसाखी बोलते हैं, ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के जो कुछ हिस्से हुए हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा और इन क्षेत्रों के ऊपर अप्रैल से जून तक ये ब्लो करते हैं, और जिसके कारण रेनफॉल और तूफान आते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 8th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ आई होप दैट यू विल रिवाइज ऑल द पॉइंट्स व्हाट वी हैड डिस्कस टुडे, एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू कवर अप द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन यू शुड रिवाइज द टॉपिक्स, यू शुड रीड द पैराग्राफ लाइन बाई लाइन एंड इन द पीडीएफ।
वट एवर आई हैव सेंट यू दैट यू आर गोइंग टू कम्प्लीट इन योर नोटबुक्स इन योर क्लास कॉपी इन योर फेयर कॉपी एंड आफ्टर दैट वी विल ज्वाइन इन फिजिकल क्लासेस एंड कैरी ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स टिल देन टेक केयर थैंक यू